इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं, वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वही पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया, उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत, भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे लाख रुपए देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है, ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए
तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। भूतनी आंटी पार्ट टू। एक छोटा सा शहर था, शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसला कर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही दो रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां, उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी। लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देख कर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी। बोलो कोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा, अब मैं खेलूंगा किसके साथ। तभी भूतनी रूप बदल कर उनके सामने पहुँच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में, ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहाँ से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना, मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है, तो चलो मेरे घर पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना, तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं।
गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ, मम्मी! पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा? जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा, चब चब करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहाँ आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियाँ देखी है मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज़ है। तेरे जैसी हजारों भूतनियाँ एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी, इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए।